आप दोनों ने आज ट्रेवल किया आपने भी और आप भी यूर कमिंग फ्राम लॉन्ग वे ना मक्का जिद्दा इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद में घूमना हाँ लास्ट वीक पता है बड़ा जबरदस्त सीन हुआ जब मेरा है इनसे हुआ तो मैं समझा वेंसडे को हमारा हुआ हाँ।

दसलबाद अभी आख दो, दो महीने मक्का में ही था एक ट्रिप वही में गया था अच्छा, अच्छा। आ, आ सलाम की हाँ यार आपने तो पूरी दुनिया को ना अपनी अपनी जगह पे बैठे बैठे क्या कुछ दिखा दिया बड़ा एहसान है और एक खास एहसान मैं तोह जो समझता हूँ ना मिसाल के तौर पर गार हिर की कुछ वीडियोज मैंने देखी इनकी और हज का जो एक्सपीरियंस था आपका यार अल्लाह तक उस टाइम में वहाँ भेजा जहाँ पे कोई भी नहीं था वहाँ

वी 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 मुझे लगता है कि जितने भी अगली बार अगर इन्होंने फुल हज खोल दिया है हाँ। आप जितने भी पैसे दे ले हाँ। इतने सुकून से हज नहीं कर था। मैं आप तो में बिल्कुल रश बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है और वहां पर बुफेज वगैरह बिल्कुल ओपन बुफे ये वो सब कुछ था और हेल्थी फूड

तो वो मतलब आपने एक्सपीरियंस किया आगा। आगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं। जो वीडियो नहीं आई मैंने, अच्छा, अच्छा, मैंने भी फील किया की मैंने मेरी फीलिंग्स उस तरह की नहीं थी जैसे जब मैं बिल्कुल अकेला था बिल्कुल अकेला कोई नहीं था मेरे पास वही कैमरा कभी बैठ जाता था फिर है हाँ। है ये गारे सौर का सफर भी काफी ज़्यादा हाँ। हाँ। नहीं मैं आपको सच बताऊं जिस तरह का सारा वो वीडियो था ना कि कोई भी नहीं था वहाँ और आप फीलिंग भी शेयर कर रहे थे तो आई एक्चुअली गॉट इमोशनल यार दिस इज प्लेस इतना अर्सा पहले अल्लाह के नबीसमें आया करते थे वहाँ

बाहर की सिचुएशन मैं तो ज़िंदगी में घर में नहीं बैठा और मैं अगर आ, मुझे कोई कहता है कि फलां काम है जो तुम्हें बैठ के करना है तो मुझे नहीं मजा अच्छा, नहीं मज़ा आता दिल करता तो घर में बैठ बैठ के थक गए थे तो सबसे पहले फिर मैंने वही वीडियो बनाई थी गार हिरा की जैसे ही लॉकडाउन खुला फौरन भाग के गारिरा की वीडियो बनाई और ज़ाहिर है लोग डिमांड भी कर रहे थे उस टाइम और वो सारा कॉन्टेंट डिमांडिंग कॉन्टेंट था क्योंकि मैं मक्का में था और मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त जो पाकिस्तान में है या इंग्लैंड वगैरह कहीं पे भी वो लोग पूछते थे नहीं। नहीं। तो ये एक आइडिया भी उस टाइम था कि मैंने ब्लॉगिंग करनी है लोगों को ज्यारतें करवानी हैं और वो टाइम सबसे अच्छा टाइम था, था कि जब सब पूछ रहे हैं तो ठीक है सबको एक एक को बताने से अच्छा है पूरी दुनिया भी तो पूछ रही है ना सिर्फ वही मेरे दोस्त तो नहीं है बिल्कुल बिल्कुल तो एक वीडियो बना के डाल दो तो बल्कि तो हमें भी ट्रैवलिंग का यार बड़ा शौक़ है हम तो हर वक्त कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं कि क्या कोई मौका निकले तो हम करें साथ में मतलब बाइकिंग एडवेंचर भी और बाइकिंग से ज़रा ख़ास हमें है कि बाइक्स पे जो आप करते हो ना एडवेंचर या ट्रैवलिंग उसका एक अपना खैर वो होता है मज़ा होता है यू नो एंड स्पेशली हाँ और कंपनी भी अच्छी हो लाइक माइंडेड आप सारे हो तो फिर बड़ी अच्छी आपका टाइम वगैरह गुजरता है अभी रिसेंटली हमने कवर किया है पहले कश्मीर गए थे और फिर उसके बाद कुछ हमने अभी टूर पे की है, लेकिन वेरी थिंग आप भी कर रहे हो और साथ ना तो वहाँ तो बहुत रश था बहुत ज्यादा रश था खैर बात भी है कोई पुरानी मैं एक दफा गया था गालिबन टू की बात है अच्छा तो तब बहुत रश था और वहाँ पे वो थे यार बेहबूंस थे

और वो फैलाना थोड़ा सा वो न्यूसेंस होता है मतलब इवन यहाँ पे भी मोनाल में ऊपर है तो आप कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते अगर फैमिली के साथ कुछ खाना खोल लें तो सारे हाँ, हमला वो आ जाते हैं उन्होंने बोतल ले ली हाँ। बोतल ऐसे बाबा ने दी या मैंने दी थी उनसे कॉल की शुरू हो गया

भूखे थे इतने अरसे से लोग जा नहीं रहे वहाँ पर ओ, लोग जाते हैं।, हैं तो कोई ना कोई चीज उनको देते हैं दे हाँ। पानी पीते हैं हाँ। हाँ हाँ में जमजम की बोतल थी वो मेरे तरफ ना ऐसे इशारे की तरह कर रहा था फजल भाई मेरे साथ है आप लोगों ने अगर उनको वीडियो में देखा हाँ। तो उसने जैसे यूं इशारा किया ना मैंने पत्थर उठा के जमीन पे मारा मैंने कहा चलो डर जाएगा तो वो और गुस्सा हो गया

ऐसी चीज़ों से ना अल्लाह के नबी से मोहब्बत बढ़ती है सल्लाग सल्लाग जो विजिट करवाना ना यानी ये इमेजिन करना कि अल्लाह के यहां पे आया करते थे अबू बकर के साथ है। है। एक रवायत में था ने कहा रसोल्ला आप मेरे कंधों पर चढ़ जाए और मैं आपको उठा के ले जाऊंगा लगा सौर ताकि दो लोगों के निशान आता हूँ और किसी एक बंदे के लिए और हालांकि एक दफा बिन ने तालिब जब काबा में बोझ तोड़े थे तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह भी ने, कहा कि रसूल आप मेरे कंधों पे आ जाएं मैं आ, इन बोझों को ना हम इकट्ठे तोड़ते हैं जो हाइट वाले थे तो अल्लाह ने कहा कि तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते हम सुभान क्योंकि जो वही नाजिल होती थी तो फिर एक बोझ बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अब सदीक ने सुभान वो सफर तय किया और किस से आलम और एक लेजर एक्टिविटी के लिए बंदा जाए तो काफी थक जाता है और पसीने पानी निकल आते हैं बिल्कुल लेकिन आप खौफ के आलम में देखें और एक रात वहाँ गुजारना और ऐसा आलम के ऊपर से वो लोग नीचे देखें हाँ। तो बंदा नजर आ जाए तो दैट देट इससे ना अगर तो लोगों में इनशाला बढ़ती भी होगी लोगों में अगर मोहब्बत दीन के लिए और अल्लाह के नबी के लिए बढ़ी तो कितनी अच्छी बात है अलहमद बिल्कुल स्पेशली जो अभी लास्ट आपने विजिट किया ना वो कौमे समूद वाली जो और इस तरह की जो बाकी जिन कौमे पे आजा है वो उनकी जगह वो भी यार बहुत अमेजिंग यार सुबह अल्लाह बंदा देख के हैरान होता है कि इन्होंने कैसे कार्व किया हुआ चटानों में और वहाँ पे कैसे क्या उनका लाइफ स्टाइल जगहें है, हैं हैरत अंगेज जगह हैं और वहाँ पर जाके आ, मैं क्लियरली किसी हाँ। को रेकमेंड नहीं करता वहाँ पे मैंने वीडियो में भी कहा है हाँ। जो भी है मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता कि वो जाए वहाँ पर मैं गया हूँ एक वो जगह देखने के लिए एक इबरत के लिए मैं गया हूँ क्योंकि जिस जगह पे अजाब आया है बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं कि आप कोई भी जाएं स्पेशली और भी मैंने मैंने जाके देखा है सब कुछ और खास तौर पे वहाँ पर जो एक जगह थी जहाँ पर जबल बनाते हैं जहाँ पर छत्तीस कब्रें हैं वो कहते हैं ये उनके घर हैं वो एक लंबी स्टोरी है वो पूरी वीडियो मैंने बताई थी तो वहाँ पर आपका दिल इतना घुटता है ना जब आप जाते हैं और जब आपको पता होता है कि यहाँ पर अजाब आया था कौम सम थी जो तकबर करते थे जिन्होंने किया नबियों को तो वहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता कि, कि कितनी बेकार फीलिंग होती है आ, तंग बिल्कुल आपका दिल ऐसे तकलीफ में आ जाता है अच्छा वो चीज़ मैंने फील की थी सिर्फ वहाँ पर जो दूसरी लोकेशन थी एक दीवान था जहाँ पर उनका वो जो हाँ। हाकिम वगैरह बैठते थे उसके बाद वाली जो जगह थी वहाँ पे जब मैं गया और फिर तीसरी जब, जबल फरीद थी वहाँ पे भी गया तो कोई इतना मसला नहीं था लेकिन खास तौर पे वहीं पर उसी जगह पर मैंने क्लिप भी रिकॉर्ड किया था और अच्छा। कहा था कि जो कौमे तकबूर करती थी ऐसे घर बनाती थी तो वो मिट गई अल्लाह तेज मतलब पावरफुल मतलब कॉमे गुजरी है

सो बात यह है कि सुबहानल्ला और जो बात की ना आपने कि आपका दिल जो वो हो रहा था जैसे आपने कहा कि अल्लाह के एक एकदम वादी से गुजरे और कहा तेज़ चलो यहाँ से तेज निकलो एंड के वॉकिंग स्टाइल वैसे बहुत तेज़ था बिल्कुल लेकिन उसमें तो बहुत ही ज़्यादा बिस्क वॉक थी और कहा कि निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आहबाब नाजिल हुआ था सो उन जगह उन जगहों में जाना जहाँ पर अला का आहबाब नाजिल हुआ है

जो पत्थर के ऊपर मारते हैं हाँ। के साथ ओके बिल्कुल हाँ, है ये बड़े बड़े टाइप ऐसे लंबा सा बना हाँ। अच्छा तो उससे लेकिन अगर आप वहाँ पर लाइंस देखें बिल्कुल सीधी सीधी ये बिल्कुल। नहीं कि कहीं से लाइन टेढ़ी हो गई हो वो सामने जो उसको अरबी में तो कुरनेश कहते हैं वो जो

जब अमल की बारी आती है हमारी उम्मत में हर गुनाह पाया जाता है जो तमाम उम्मतों में था सही आप बात था। देख लें आप झूठ देख लें आप नाप तो में कमी देख लें हाँ। आप तकबर देख लें आप सही बात बात मतलब हर तरह का गुनाह है बस वो अल्लाह के नबी की दुआ ही है हमें बचा के यानी वो सारे गुनाह जिनकी वजह से कौमों पर अजाब आया और वो कौमें मिटा दी गई वो सारे गुनाह आज हमारी कौम में पाए जाते हैं बिल्कुल मुख्तसर तौर पर वो सारे गुनाह और कबाइर हम करते हैं फ़राइज हम छोड़ते हैं मुख्तसर तौर पर यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ एक तो कबाई करो ऊपर से फराइज भी छोड़ दो और जब बहस की बात आए तो नफल के ऊपर बैठ के बहस कर लो किसी को नीचे दिखा दो की तुमने फर्ज उस दिन मैंने देखा था तुमने पढ़े थे और नफल तुमने नहीं पढ़े हालांकि खुद दीन का पूरा तस्वुरा असल में यार असल में एक एक जो अरबी लैंग्वेज का गैप है ना ये भी बहुत बड़ा गैप है डायरेक्ट समझते ही नहीं अरबी समझ ही नहीं आती हमारे लोगों को तो सही बात है सिर्फ अरबी समझ आ जाए ना डायरेक्ट कुरान पाक की थोड़ी सी समझ आ जाए ना तो बहुत ज्यादा मसले हल हो जाते हैं हाँ। खास तौर पे ये जो बहुत ज्यादा लड़ाइय हो रही होती है ना बीच में छोटी छोटी बातों पर बात तो या तरावियों में ही देख लेना हाँ अगर कुछ नहीं होगा देखें मिसाल के तो तौर पर एक बंदा है जो बहुत गुनाहगार है ठीक है बहुत सारे गुनाह करने वाले लोग हैं इवेंचुअली आपको पता है रमजान में तो थोड़ी सी स्पीड जाग जाती है और सभी लोग मस्जिद का रुख करते हैं त्रापियाँ वगैरह पढ़ते हैं तो अब कुरान देखो रिवाइज हो रहा है तो अगर कुरान समझ में आ रहा है जैसे आप कह रहे हैं तो वाकई बिल्कुल सही बात है लोग लोगों की आंखों से आंसू निकलेंगे लोगों के दिल नरम होंगे यू नो गुनाह छोड़ेंगे लोग बिल्कुल सही बात है और कुफार तो इतनी एफर्ट करते थे कुरान के लोग सुने ही ना सुने ही ना यानी मोहम्मद मैशल से हाँ। से हाँ। हाँ। और, और, हाँ। और एक ये टेक्निक दूसरी टेक्निक है कि कानों में रुईया दे देना के किसी तरह से लक नबी की आवाज़ ना जानता और मतलब और उनकी करेक्टर परेशन करना के झूठे हैं व्यायात साहिर है मजरून है ये चीज़ें

<laughs> अच्छा, वीडियो के ऊपर ही मैंने लिख दिया थंबनेल पे झूठी ज्यारत वो थी आ, मीना की हद थी पुरानी लोगों अच्छा। ने जो भी लोग थे मुझे पता है कि इन लोगों ने अपने रोजी के उस चक्कर में हाँ। उसे मशहूर किया हुआ था कि यहाँ पर हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल इसमाही को जिबा कर रहे थे अच्छा मैंने कहाजरत जिसमाइल ने फरमायाज़रत इब्राहिम तो और उसकी दलील मैंने वहीं पर उसी वीडियो में दी है अगर आप लोग का पिलर पुराना बना हुआ है मस्जिद सईद आयशा के पास वहां पर हरम की हद खत्म होती है वो एक हदूद की निशानी है और उसी पिलर के बिल्कुल साइड पे ही नया पिलर बना हुआ है मीना का अच्छा hmm. के बिल्कुल उसके बराबर में बना हुआ है hmm. ये पुराना पिलर है मीना का ये कोई जियारत नहीं है यहाँ पर कोई इवन जो, जो जमरात हैं लोग कहते हैं ये शयातीन है तीन हाँ, हाँ। छोटा शैतान बड़ा शैतान फला शैतान हालांकि हाँ, वो बेसिकली यहाँ पे सुनत इब्राहिमी को ताजा करने के लिए और लोग ना जमरात को ऐसे मारे जूते उठा के मार रहे हैं और लकड़ियां मार रहे हैं कि शैतान को तकलीफ होगी हालांकि शैतान को जूता नहीं लगता लेकिन सुनत लगती है ठीक तो तो है।, है ना तो बस अजीब सी मेरे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है आकबा कहते हैं ना जी वो शैतान हम तो शैतान कहते हैं हाँ। वो आकबा शुक्रा इस तरह आकबा कहते हैं यानी कि वो आकबा का अगर आप मतलब देखें अरबी हाँ, में तो हाँ. वो एक यानी कि पत्थर की चीज बिल्कुल अच्छा आपको एक फनी बात मैं सुनाता हूँ पहले जब ये आकबा जो है जिसको शैतान कहते हैं अभी ये लंबी दीवार की तरह अच्छा पहले था चौरस जैसे जबल रहमत अगर आपने देखा रहमत के ऊपर वो सिर्फ निशानी बनी हुई है वो भी मैं क्लियर कर दूँ लोग कहते हैं यहाँ पर हजरत आदम और अम्मा हवर अमावराम यहाँ पर मिले थे लेकिन वो सिर्फ निशानी है जबल रहमत की कि हाँ अरफात में ढेर सारे पहाड़ हैं जबल रहमत कौन सी है वो है जिसके ऊपर ये पिलर बना हुआ था तो यहाँ पे जमरात में भी ऐसे पिलर्स बने होते थे तो हमारे लोग तो माशाल्लाह फिर गुस्सा निकालने थे निकालते हैं कि फलां दिन तूने मेरे से वो वाला गुनाह करवाया था वो पत्थर वो रन अप लेके आते हैं देते हैं पत्थर जोर है। से तो फिर कभी कभी क्या होता था वो तो छोटा सा पिलर होता था हाँ। उधर हाँ। वालों के पत्थर इधर वालों का लग जाते बिल्कुल बिल्कुल जूते भी मारते ना लोग जूते भी मारते थे मुसलमानों में शैतान तो बीच में से निकल गया मुसलमान मुसलमान करे एक हमारे हैं जानने वाले मैं ही नहीं बताऊंगा कौन है लेकिन हाँ। उनको पत्थर लगा था सीधा यहाँ पे आके बिल्कुल वो नहीं, नहीं, नहीं। वहाँ से किसी ने मारा और पत्थर जाहिर है, बड़ा है उसका वजन, वजन तो वो आये, ना मैंने देखा की हालांकि सही चीजें बहुत सारी मौजूद है ऐसे नहीं कि लोग शायद हमें सुन के हर चीज है हां बहुत सारी असल चीजें मौजूद हैं लेकिन होता क्या है कि जब इनोवेशन आती है ना हाँ, तो सुन्नत चली जाती है मैं एक चीज ऐड हाँ, करूं यहाँ पर जो सही चीजें हैं सही समझ है बेहद आसान है और आपकी जिंदगी बहुत बेहतर बना देती है आपकी जिंदगी की क्वालिटी भी हाँ। बेहतर बना देती है सही बात है अगर आप सही चीजों पे चलें और बेहद आसान है लोग गलत चीजों के पीछे जाते हैं अपनी जिंदगी अपना मजहब भी मुश्किल बना लेते हैं सही बात है है अभी यार किसी के पास टाइम नहीं हाँ। है, वो काम कर रहे है, कुछ भी कर हाँ। रहा है तो कम से कम फर्ज तो पढ़ ले वो कहते हैं पढ़ेंगे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे यही तो मसला है तो थोड़ा सा तो शैतान तो है कभी नमाज नहीं पढ़ा करते थे तो यही कॉन्सेप्ट था बिल्कुल कि यार कितना और जैसे ही पता चला कि यार कम अज़ कम सिर्फ फ़र्ज आप पढ़ सकते हैं अगर आपने रूटीन बनानी आप है आप बिल्कुल बेनमाजी है और नमाज की तरफ दीन की तरफ आना चाहते हैं तो एटलीस्ट फ्राइज़ पढ़ लो वो किसी ने समझा दिया कि यार ये हाँ। दो फजर की पढ़ लो यार ठीक है और चार तुम जहर की पढ़ लो चार असर की पढ़ लो तीन उसकी पढ़ लो मग़रब की और चार कर लो बेहतर भी चलो तुम ना पढ़ो ठीक हाँ, है शुरू में हाँ, ठीक है शुरू में आने के लिए हाँ, आने के लिए, के लिए कि आना तो हमने तो तो कहा यार आसान है यार सुबह उठ के दो पढ़ना क्या मुश्किल हाँ, है और यूनिवर्सिटी में से ब्रेक लेके चार फर्ज पढ़ाओ जल्दी हाँ। से मुश्किल है पता चला तो करना शुरू कर दिया और देखो चेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ जब किसी ने यह बता दिया कि यार ये नमाज नबी है ये किताब है वो किताब अगर नमाज की सिर्फ बात की जाए तो ये ये अल्लाह के वसल्लम की सुनत हैं अल्लाह ताला ऐसे अल्लाह के नबी ऐसे नमाज़ पढ़ा करते थे वो पढ़ना शुरू किया पता चला कि यार कितनी चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं और आसान चीज़ें और जो सही चीज़ें हैं सुनत के मुताबिक वो बड़ी आसान है, है यार वह बहुत आपने कोई वजीफ़े नहीं करने और लॉन्ग टर्म में आपको कितना फायदा देती हैं रियलिस्टिक रियलिस्टिक चीज़ें है रियल चीज़ेंटिकस्टिक नहीं किबमक़्ल के अल्लाह त सबसे महबूब आमाल वो लगते हैं जो बेशक थोड़े हों लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे किया जाए हमेशा मुस्तकिल मिजाज किया जाए बिल्कुल अच्छा मैं भी ना जो आप बता रहे थे ना ज़ारात के बारे में एक हदीस मेरे जैन में आई मैंने कहा आपसे पूछूंगा एक अल्लाह की मेरी हदीस है कि इन्नी लारफरम बे मक्का था काना यू सलम कबलाबस इन्नी लारफ उलैन के मैं मक्का में एक पत्थर को जानता हूँ जो मुझ पर सलाम किया करता था बिफोर आई बिकेम अ प्रॉफिट ठीक है और अलग के मैंने कहा इन्नी लारफ़ लन मैं भी जानता हूँ उसे कि वो पत्थर कहाँ पे है तो इसका तो कोई निशान या कोई मौजूद नहीं नहीं कभी नहीं देखा कोई नहीं लेकिन इसके बारे में एक और हदीस भी तो है ना आप वसल्लम की के आप तलबिया करें तलबिया के बारे में हज पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे आप तलबिया करें ये पत्थर भी आपके साथ तलबिया करते हैं देखुण। देखुण। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मीना के पत्थर ये वो और ये चीजें लेकिन हाँ हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसा पत्थर नहीं है वहाँ से लोग पत्थर उठाते हैं ले आते हैं तबर के लिए ये हम इस चीज़ के बिल्कुल या, या लोग तो काबा के खिलाफ वो काट के ले हा? आते हैं आई नो पीपल आई नो पीपल के जिनने काबा खिलाफ वो काट के लाए थे हज उम्र से हा? और जब उनका बेटा फौत हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की आंखों पर रख देना इसके लिए यानी शिफात का पास उसके पास बनेगा और मस्त तो चीजें सामने कर रहे होते हैं लेकिन हालांकि है। ना चूमता खैर की सुनत में है तुझे चूमा तो मैं तुझे चूम रहा हूँ वरना तुम कुछ नहीं कर है तो जब हजर अस्वत के बारे में यह है तो हमारे पाकिस्तानी उसकी जो काटा तो काटा तो दूर की बात की बेदबी है एक तरह से आप काबा का जो है काट रहे हो वट इज दोस्ट आप समझ लें कि जिस चीज़ ने आपको ना जिस जो जगह विजिट की हो या कोई चीज़ आपने देखी हो जिसको देख के आपका ईमान बहुत ताज़ा हुआ हो जिसमें ना ईमान ईमान ताज़ा जगह देख के नहीं ईमान ताज़ा होता है सर नबीम hmm. hmm. से hmm. अगर आप यहीं पर बैठ के दिल से पढ़ रहे हैं और आप फील कर रहे हैं आप सोच रहे हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से जिंदगी गुजारी खास तौर पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व और अपने से ताकतवर इंसान के सामने खड़े हो के आप जब सच बोलते हैं तो उससे ज़्यादा आप जब रिलैक्स वो चीज़ करके आप जो रिलैक्स होते हैं ना आप कभी नहीं होंगे कभी जमागे हाँ। लेकिन अगर आपने सरत नब्बी पढ़ी हुई है और फिर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो फिर वहाँ का तो एक्सपीरियंस जबरदस्त हो जाता है ना डबल नहीं होता दस गुना बढ़ जाता है <laughs> दस गुना बढ़ जाता <laughs> <गुना> है <बढ़> <laughs> तो स्पेशली माशा आपको जैसे पता है और आप इतनी ज़्यादा करते हैं जाते हैं तो हाँ। आपको कौन सी जगह लगती है कि जहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा आपने फील किया यार मैं जिस जगह पे भी गया हूँ ना उस टाइम पे उस जगह को मैंने महसूस किया है अलहमदिल्ला और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जाने से पहले रिसर्च करता हूँ

या अल्लाह ताली की तौफीक है अल्लाह अपना ये काम किसी से भी ले सकता है सही बात है किसी से भी मैं कोई स्पेशल नहीं है नहीं। मैंने कुछ ये नहीं।, नहीं लेकिन अल्लाह ताला ने अगर मुझे चुना है और ख़ास तौर पे जिस चीज़ पे मैं अल्लाह ताला का और ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खालिस इंफॉर्मेशन पहुँचाई है हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और जो काम खराब हुए हुए थे पुराने उनकी नफ़ी भी की है वहाँ पर जाके

Broken the notion के अगर आप म्यूजिक हाँ, exactly. और गंदा कॉन्टेंट या बकवासात ना भी करें ना हाँ. तो अल्लाह ने आपकी तकदीर में अच्छा कबूल लिखा हुआ हाँ. कबूल लिखा हुआ है तो आप मिलियन से रुपये तक पहुंच सकते हैं हाँ, अगर आपने थोड़ा सा सोचा है कि आप ये करना चाहते हैं और अल्लाह ताला की रजा के खिलाफ नहीं जाना आपने अल्लाह हाँ ताला की नाफरमानी नहीं करनी तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल बिल्कुल, दा बिल्कुल, दा। बिल्कुल, बिल्कुल बात जब अल्लाह अल्ला ताला आपसे मोहब्बत करते हैं लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देते हैं तो फिर मैं और आप क्या या किसी के ऊपर कोई क्या बात करेगा जब अल्लाह ताला ही उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल हैं तो फिर आपको किसी चीज की मांगने की भी जरूरत नहीं है कोई भी चीज़ अच्छा से अच्छा है आप भी बहुत दफ़ा गए हैं और आप रहे भी हैं काफी सऊदी अरब आप कौन सी जगह सबसे फैसिनेट यानी जहाँ पे आपका फिर ईमान ताज़ा हुआ हो कि यार दिस इज़ you know, so. yeah, मैं इसमें ऑनस्टली बताऊँ मैं मैंने ना ज्यारतें बहुत ज़्यादा विजिट नहीं की hmm. लेकिन काबा में जाके हरमैन में जाके वो तो आपको फीलिंग अलग होती है इसमें तो कोई शक नहीं है no सबसे ज़बरदस्त आपकी जो फीलिंग आती हैं वहीं hmm. आती हैं लेकिन आई फील लाइक ये जो इस्पेली गार का मैंने बार बार जो जिक्र किया है ना वो इसी किया कि मुझे ना hmm. इनकी सिर्फ वीडियो से ही आई फेल्ट लाइक आई वॉज देर

वहाँ पर जहाँ पर अभी मैं नौजवान हूँ हाँ। और मैं तकरीबन फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। जीत जाता हूँ दो तीन बार ही हाँ। जाता हूँ हफ्ते में कोई बात नहीं हाँ। लेकिन मैं अपनी फिटनेस का थोड़ा बहुत ख्याल भी रखता हूँ हर चीज़ तो मेरी हालत आप वीडियो में देख सकते हैं हाँ। मैं पसीना पसीना था मैंने रेस्ट मैं लिया दिन में गया मैंने रास्ते में रेस्ट लिया और मैं ठंडे मौसम में गया गर्मियाँ नहीं थी हाँ। उस टाइम पे मैं गया और मेरी ये हालत थी दूसरा आपने यही सवाल मेरे से पूछा था फिर हम लोग दूसरे टॉपिक में घुस गए थे हाँ। ज़ियारतें जिन जियारतों ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर किया है ना ख़ास तौर पर जब भी मैं रियाजुल जन्ना में जाता हूँ ना तो रियाजुल जन्ना में जो फीलिंग होती है वो फीलिंग बयान नहीं हो सकती आप अगर आपको पता है आपने सब पढ़ा हुआ है महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने है जहाँ पर हमारे नबी पाक अलैहि वसल्लम जमात कराते आते थे और मम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुतबा देते थे सहाबा के और आप वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरे मिंबर से लेकर मेरे हजरा तक ये टुकड़ा जन्नत का है और आपको जब वहाँ पर पंद्रह मिनट मिल जाए कि आप वहाँ पर नफ़ल पढ़ें दुआ करें और वहाँ पर जब आप दुआ करते हैं नफ़ल पढ़ते हैं और वहीं से निकल के फिर आगे, आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पे जाके आप सलाम अर्ज़ करें साथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ील् और उमर फ़ारूक रज़ी हूँ यह जो फीलिंग होती है ना अगर आप पढ़ के जाएँ आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं कौन सी जगह पे हैं ये कौन से पिलर हैं जो आपके पीछे हैं जहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठते थे अल्लाह हाकार तो ये आपके ईमान को बहुत बहुत ऊंचे लेवल पर, पर पहुंचा देते हैं बिल्कुल और उसके बाद अभी जो मेरी लास्ट सीरीज थी हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुतलिक, जहां पर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने عصا मारा बारा चश्मे निकले उस जगह पर जमीन से आपको मिट्टी नजर आ रही है मिट्टी के अंदर से पानी निकल रहा है और एक बड़ी सारी जगह है उधर से भी चश्मा है उधर से भी उधर से भी उधर से भी तकरीबन कोई बारह चश्मे हैं वो जब आप मट्टी के नीचे से पानी निकलता हुआ देखते हैं ना आप में थोड़ा सा भी यानी कि अगर आप दीन पे चलते हैं तो सिर्फ सुबहान अल्लाह आपके दिल से यही एक ही लफ्ज निकलता है और कुछ नहीं निकलता आपके दिल से निकलता है आप ना बोलें खामोशी से जाके देखें ना

और इवन जब हम ओहद के हाँ। लास्ट टाइम इकट्ठे थे हाँ। जब ओहद गए थे बिल्कुल तो वहाँ पे यू जस्ट इमेजिन जो छोटा सा टीला है जहाँ पे साहबा बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ पे साहबा की फिर खून भी बहा होगा और कुरबानियों हो उनकी यानी यू जस्ट रियलाइज सुबह लगा कितनी कुरबानियाँ दी उन लोगों ने और वो कहा क्या उन्हें मरतबा पा लिया और हम लोग जो है ना कुछ भी नहीं दे रहे और फिर हमारा क्या हाल होने वाला है तो और ये जना एक्जैक्टली ना क्योंकि असल जो मस्जिद नबी थी ना अल्लाह के नबी के दौर में वो रोज़ा रसूल तो बेसिकली आशा का हुजरा था ना जी जी बिल्कुल वहाँ से आ, उसके एक्सटेंशन तक थी मेबर से आगे तक तो वो बेसिकली असल जगह जहाँ पे अल्लाह के नबी और साहबा नमाज पढ़ा करते थे फिर हजरत उस्मान के दौर में एक्सटेंशन भी हुई ठीक है और पीछे भी बढ़ गए तो राइट लेफ्ट भी काफ़ी है साहबा सफ़ा का पीछे जो रेज प्लेटफॉर्म्स है वो है तो जब मैं वहाँ जाता हूँ ना

फिन आलिक नबी व सद्दीक व शहीदान तुम्हारे ऊपर एक नबी है एक सदीक है और दो शहीद है सो hmm. so, जब ये इंसान रियलाइज करता है कि ये ग्रेट्स यहाँ पे खड़े हुए और अल्लाह के नबी यानी सुखान ये जन्नत का हिस्सा है ना मैंने दुआ निकली और बड़ी मज़े की ना बड़ा मुझे लुत्फ आया वो मांगने का मैंने कहा तेरे नबी ने कहा कि जन्नत का हिस्सा है यहाँ मैं जन्नत में दाखिल हो गया हूँ अब जन्नत से ना निकाली हमें बाहर <laughs> स्मार्ट है। है। होना चाहिए इबादत में भी दौण दौण है। है। सही है। है। अब तरीक तरीक हम अगर आ रहे हैं मस्जिद सईद आयशा के करीब तरीन एक मिकात तो नहीं है लेकिन जहाँ से एहराम बांधा जाता है मक्का की हद जो करीब तरीन तो वहाँ पर काफी लोग हैं पीछे नमाज पढ़ के आ जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं हरम की हद में दाखिल होकर पढ़ लें एक लाख नमाज का स्वाब है तो इस तरह आपको स्मार्ट होना चाहिए और रमजान रमजानक में आ, आप खजूर बांट सकते हैं ताकि और हाँ जब बांटने जाएं खजूर हमेशा सबसे अच्छी क्वालिटी की लें खजूर ताकि वो सबसे अच्छी हो दिखने में भी सबसे खूबसूरत और डिलीशियस लगे और उसी से ही जो बंदा है ना वो रोज़ा खोलें

मतलब हम तो माफ करें तो ऊँची आवाजें बोल रहे होते हैं और सारा सही बात है इवन अल्लाह के नबी कबर के ऊपर ना लिखा हुआ है कि

और ही कंट स्पीक और जब भी कहते हैं कि कौला रसूल मस्जिद नबी में थे ना अच्छा ना तो वोग 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 के है। क्या बात और आगे आगे है। कभी भी कहते हैं कि उस शख्स ने कहा जो अपनी कबरें मौजूद है तो वो जो फीलिंग उनके ऊपर तारी होती थी ना तो लोगों ने पूछा कि मालिक हाउ डू फील वट यू फील राइट नाउ कहते हैं कि अगर तुम मेरे उस्ताद को देखते ना इस सात जेहरी को रहा कि उन पर क्या होता था तो तुम

Mm. होती है ताला हम करे आमें, और वाकई में उनका साथ नसीब फरमाए so, yeah, <laughs> <दिजाक laughs> really nice <laughs> ताला आपको खुश रखे ना और ना थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए खूबसूरत बातें करने के लिए खूबसूरत लोगों के साथ